जैसा आप जानते हैं कि आज अहमदनगर के हलखे में जब फ्लड रिलीफ फंड बांटा जा रहा था म्यूनसिपल ऑफिसरों को लेकर क्योंकि जैसा मसूद आपको बताए नामपली से हम ग्यारह हज़ार अप्लीकेशन दिए जिस इंजस्टिस हुआ नाइंसाफ़ी हुई हकदार को हक़ नहीं मिला और जिसके घर में एक्चुअली पानी आया उसको नहीं मिला और जिसका मटेरियल ख़राब हो गया चाहे वो टीवी वी रहो फ्रिज रहो वॉशिंग मशीन रहो बुक्स रहो बैग्स रहो कपड़े रहो व्हीकल रहो जो भी सामान और उनका अनाज हो उनको नहीं मिला बल्कि हम दस दिन से एहत कर रहे हैं इस सिलसिले में हम म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिले जोनल कमिश्नर से मिले डिप्टी कमिश्नर से मिले हर कोई शख्स को हम ये बताए कि टी पार्टी और एम दोनों मिलकर फ्लड रिलीफ फंड बल्कि नहीं बांट रही मगर जीएचएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने लोगों को बुलाकर अपने रिश्तेदारों को बुलाकर अपने दोस्तों को बुलाकर आप ये फट फ्लड रिलीफ फंड बांट रहे पहले से हम जैसा आपके सामने मैं फिर से रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ के सी और के को हम स्ट्रेट पूछ दिए थे कि अरे साहब आप चेकों में क्यों नहीं दिए आप एक टास्क फोर्स क्यों नहीं डाले आप पूरे ऑफिसरों को क्यों नहीं डाले जब आपको सर्वे करना था तेलंगाना का कि आप एक दिन में सुबह के सात बजे से लेकर रात के एक बजे तक आप सर्वे कर देते और रही बात जब कोविड नाइन्टीन के अंदर खाली मिनिमम अमाउंट पंद्रह सौ रुपये आपको देना था आप चेक के थ्रू आप देते के टी आर साहब अकाउंटेबिलिटी की बात करते ट्रांसपेरेंसी की बात करते हाईटेक सिटी की बात करते आधार की बात करते और आप कैपिटल सिटी के अंदर हैं जो फ्लड से प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम के लिए आप आपके टीआरएस और एमआईएम के चिंदी चोर बट्टेबाज लीडरों के हाथ में आप साढ़े पाँच सौ करोड़ पब्लिक का पैसा आप कैसा रख दे सकते और उसके बाद में आज डिप्टी कमिश्नर के पास से फ़ोन आता और बोलते कि आपके ग्यारह हज़ार अप्लीकेशनों में हम कम से कम एक दो हज़ार अपलिकेशनों को पैसे दे सकते और आपके डिवीजन प्रेसिडेंटों को भिजाइए वो सिलसिले में एक डिवीज़न प्रेसिडेंट जो हमारे मसूद है अहमदनगर के उनको हम भिजाए ग्यारह लाख रुपये म्यूनसिपल कमिश्नर सेंक्शन करें और म्यूनसिपल ऑफिसरों को दिए तो जहाँ पे हकदार थे वहाँ पर मसूद पहुँच गए और उत्ते में मुझे फ़ोन पे इतला मिलती वहाँ पे जाफ़र हुसैन मेले आ जाते और जैसा अभी हमारे भाई साहब बोले मेरे एरिया में क्या करता बोल के इसको मारते मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ आप तो इंसाफ नहीं कर सकते आप तो हक़ नहीं दिला सकते आप तो काम नहीं कर सकते मगर जब हम गरीब और कमज़ोर को मदद कर रहे हैं आपको देखा भी नहीं जाता और आप गुंडागर्दी पे उतर के आते और वो आपके एम पी साहब असदुद्दीनों ऐसी मीटिंगों में रैलियों में ये बात बोलते कि मैं राउडिज्म खत्म कर दूंगा मगर अफसोस इस बात का है कि शहर के जितने भी राउडियां हैं तुम लोगों की दुम बन के फिरते रहते आप जो बोलते वो करते नहीं और जाफर मेराज साहब आप एम एल ए आपका काम है पब्लिक को प्रोटेक्ट करना हिफाजत करना गरीब कमजोर को हक दिलाना अरे साहब समझ में, में नहीं आया मेरे को आप लोगों का कमीशन खत्म हो जा बोल के क्योंकि आप लोग दस हजार रुपए दे रहे हैं तो तीन हजार दो हजार पांच हजार ले ले रहे वो गरीब के पास से पहले तो हकदार को नहीं दे रहे फिर कमीशन ले रहे हैं आप लोग तो गरीब के पैसों के ऊपर आप लोग अपनी गाड़ी चला रहे और रोडी पे आप उतर के आ रहे मेरे एक बात बता दे रहा हूं मैं आप लोग पूरा देख रही आवाम को समझ में आ रहा आज कोई बड़ा चैनल हमारे साथ नहीं हो तो नहीं हो मगर सबसे अहम हो गया आजकल सोशल मीडिया आज सोशल मीडिया में हर कोई देख रहा किसकी क्या हरकत है किसकी क्या हैसियत है कौन काम कर रहा कौन काम नहीं कर रहा तो आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में आपको बराबर सबक मिलेगा और फिरोज खान और फिरोज खान की टीम से इतना कहीं को डर रहे हैं साहब आप लोग हाँ मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज कर दिया ना पूरे एम आई एम पार्टी को पूरे टी आर एस पार्टी को मेहरबानी करके मेरे को बुला लो आपके ऑफिस को बुला लेते आपके घर को बुला लेते मेरे को बताओ ये साढ़े पाँच सौ करोड़ पे सच में हम गरीब कमजोर को बांटे जायजों को बांटे बोल के आप बोलो बोला मैं और मैं क्या बोल दिया इतनी बड़ी बात मैं कांग्रेस का कणवा निकाल के आपका कणवा पे लेके आपके पेट में मुंडी डाल तो बोला बात अवाम को समझ में आ रही और ये फ्लड रिलीफ फंड जो है इसको सिर्फ जीएचएमसी चुनाव को मद्देनजर रख के केसीआर केटीआर ये चिंदी चोरों के हाथ में पैसे रख दिए और ये बट्टेबाजा अपना घर भर रहे आज लाखों अवाम रोड के ऊपर है आज के दिन पे भी आज के दिन अभी आप मेरे साथ चलिए उस्मान नगर में आज भी छः फीट का पानी है आज पूरे ओल्ड सिटी में चलिए आप मेरे साथ पूरे नामपल्ली में चलिए मेरे साथ हकदार को हक़ नहीं मिला आप बोले घर अगर से पूरी तरीके से ख़राब हो गया तो आप एक लाख देते पार्शल थोड़ा बहुत ख़राब हुआ तो पचास हज़ार देते मेरे को आप एक बताइए आप किसके घर को पैसे दिए आप कौन से हकदार को पैसे दिए तो रही बात कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान और फिरोज खान की टीम जब तक ये गरीब आवाम को हक़ नहीं दिलाएंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं और आज हम आए हैं हमायू नगर पुलिस स्टेशन और जाफर हुसैन मेराज एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिटेंसी और अदर्स पे हम केसा बुक कराएं और एफ़ आई इशू हो चुका है 235 थर्टी फाइव ऑफ टू और इसके अंदर सेक्शंस है 324, ट्वेंटी और 149 आईपीसी और रही बात में कोई तेला मिली कि बस्ती में ये लोग औरतों को भी ढक ले कल मैं वो औरतों को भी यहाँ पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस करूँगा एंड और एक एक चीज़ अगर सेम काम फिरोज़ खान करते खाली ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं चले जाता तो ये लोग म्यूनसिपल ऑफिसरों से कंप्लेंट दिलाते मेरे ऊपर कि मैं आके दादागिरी करा या पुलिस वालों को ढकल दिया बोल के पुलिस वालों से इस कंप्लेंट दिलाते कि मैं उनको गालियाँ दिया और मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन 353 बुक हो जाता आज देखिए आर्टिकल 14 ये बोलता कानून सबको एक है नोबडी इज अबव लॉ और एक कानून इमाम पार्टी को एक कानून फिरोज खान और फिरोज खान की टीम को आज तक अगर से ये हरकत हमारे से होती अब तक पूरे म्यूनसिपल ऑफिसरों को बुला के कैसा हमारे को बुक करा के अब तक बिठा के हमारे मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर देते थे नॉन अवेलेबल जाओरे भाई चंचल गोड़ा के भेजा देते थे और आज जब हम पुलिस वालों को आके बोल रहे हैं पाप पुलिस वाले बहुत अच्छे मगर के के तोते हैं और के का चेला कौन है असदुद्दीन ऐसी एंड उसका पट्टा जाफर तो पुलिस वाले आगे पीछे हो रहे थे और मैं पुलिस वालों को वार्निंग दिया अगर से आप ये केस नहीं बुक करेंगे मैं हंगामा कर दूंगा यहाँ पे बैठ जाऊँगा यहाँ से जाऊँगा नहीं उसके बाद में बड़े बड़े ऑफिसरों से बात करके ये केस बुक करें और रही बात आवाम को पैसे दिलाने की बात जो मैं लास्ट टाइम म्यूनसिपल ऑफिस में बोल चुका हूँ और आज फिर से कमिश्नर से मेरी बात हुई और कमिश्नर मेरे को वादा करे कल शाम तक जो भी हकदार हैं हम उनको पैसा देंगे और मैं फिर से उनको बोल दिया और वार्निंग दे दिया अगर से कल शाम तक अगर से एक भी हकदार बाकी है तो मैं उसको ले लेके प्रगति भवन चीफ मिनिस्टर के घर में घुस जाने वाला हूँ तो अब के टी आर और म्यूनसिपल कमिश्नर मेहरबानी करके गरीब कमज़ोर को आपका हक़ दो टी वी के ऊपर बकवा न को करो प्रेस में बहुत बकवा करते तुम लगा मगर ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं करते बट्टेबाज़ी छोड़ो नंगे पने छोड़ो गरीब को और कमज़ोर को इंसाफ करो जय हिंद जय कांग्रेस डिप्टी कमिश्नर अली साहब की कॉल पर फेरोज फेरोज खान साहब की हिदायत पे मैं आज जी एच एम सी खैरताबाद ऑफिस सर्कल ट्वेल्व गया वहाँ पे साहब बोले कि आप लोगों को ग्यारह लाख रुपए अलर्ट हुए जो कम्प्लें साहब ग्यारह बारह हज़ार जो दिए आप फेरोज खान साहब के थ्रो आपके डिवीजन में ग्यारह लाख रुपए आज बांटो एक सौ दस लोगों को दस हज़ार रुपये के हिसाब से तो मैं बोला ठीक है इंस्पेक्टर को मैं लेके ग्यारह बस्तियों के नामा दिया हुआ धोबी घाट एम जी नगर नेहरू नगर पौचामा बस्ती फलान सर बड़ा बाजार सैयद नगर वन सैयद नगर टू ग्यारह बस्तियों में दस दस जगह बांटना था पैसे पहले हम लोग धोबीघाट गए वहाँ पे दस जनों के नाम लिखे थोड़ा सर्वर बिजी था टाइम लग रहा था वहाँ पर हम लोग वहीं बैठे हुए जाफर से मेरा साहब एम एल नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के एम आके सीधा मेरे को एक पचकड़ मारे पहले मेरे एरिया में तू क्या को माँ को चुदारा बोल के मारे मारते उनके पीछे उनके चमचे पूरे मेरे आँख पे गिरे या मेरे चेहरे पे एम एल साहब मैं नीचे झुका उनके हाथ में अंगूठी थी निकल पंच था नहीं मालूम एम साहब मारे मेरे को यहाँ पे पूरे लोग मिलकर मारे फिर मैं घर में घुस रहा था तो वो घर में से खींच के ला के फिर मारे फिर मैं बाजू के घर में से दीवार कूद के चले गया फिर मेरे साथ बच्चा रहता मेरा वीडियोग्राफर है वो बच्चे को मारे उसका मोबाइल खींच लिए और मेरा बैग और फिरोज़ खान साहब की बुक रिकॉर्ड बुक तीनों चीज़ें खींच ली है लोग आज 110 गरीबों के साथ इंसाफ होता था और गरीबों को फ़ायदा होता था वो फ़ायदा होने नहीं दिए जाफर से मेरा साहब। मैं आज मैं इंसाफ मांगने आया हूँ मेरे साथ आज फिरोज खान साहब खड़े हुए हैं उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लाई मेरे पास है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया